बहार के खिलखिलाते रंग बिरंगे महकते फूलों के मौसम में तमाम मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स को वैगीज होम किचन गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, इस वक्त आपको सामने मेरे वर्टिकल गार्डन में, एक्चुअली मैंने वर्टिकल फॉर्म में से डिज़ाइन आउट किया हुआ है, आपको तमाम ही तमाम विंटर फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम के तमाम विंटर जो फ्लावर्स हैं मैंने बल्ब्स के ज़रिए और सीड्स के ज़रिए ग्रो करवाए हैं। आज की मेरी वीडियो गार्डनिंग फ्रेंड्स अपने डैफोडिल्स के फ्लावर के हवाले से है। के इस वक्त मेरे डैफोडिल्स पे कौन कौन से प्यारे से खूबसूरत से फूल खिलते नज़र आ रहे हैं, तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा इन रंग बिरंगे खिलखिलाते महकते फूलों का थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। स्पेशली ओवरव्यू करवाने का पर्पस यही है कि इस वक्त कौन कौन से विंटर बल्ब्स हैं। मैंने कहा ना, साल तकरीबन तमाम ही तमाम विंटर फ्लावर्स खिलते नज़र आ रहे हैं और इवन नेक्स्ट वीक तक अगर किस पे अगर फ्लावरिंग स्पाइक है तो वो भी इस पे खूबसूरत से प्यारे से उसमें भी फूल खिलते नज़र आएंगे और उसकी भी अपनी गार्डन फ्रेंड्स के लिए वीडियो मैं अपलोड करूँगा। उसमें एक्जिया भी शामिल है, आपको सामने स्पायरेक्सिस भी नज़र आ रहे होंगे डैफोडिल, क्योंकि वीडियोस तो आज खैर डैफोडिल की है लेकिन ओवरव्यू देना ज़रूर बनता है ताकि जिन्होंने ये बल्ब्स लगाए हुए हैं विंटर बल्ब्स और वो वेट कर रहे हैं कि फ्लावरिंग उनकी स्पाइक का, ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो मार्च का है तीसरा हफ्ता भी वो शुरू हो गया हुआ है और अगर अप्रैल के मिड तक या स्टार्ट के वे तक आप पे फ्लावरिंग स्पाइक नहीं आती तो फिर इसके मतलब है आप बल्ब को नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करें 15 अप्रैल के बाद। और जिन मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली लेटेस्ट वीडियो से आप इन टच रहें। और ओवरव्यू करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए, फूल पसंद आए तो काली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, ये देखिए बाहर के विंटर के खिलखिलाते महकते फ्लावर्स, कुछ ये विंटर फ्लावर्स हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको उनके थोड़े से नाम भी बताता हूँ उसमें और ये भी बताता हूँ कि इस वक्त कौन कौन से फूल खिले हुए हैं और कौन कौन से अभी खिला बाकी हैं। मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, पहले तो ये फ्रीजिया है, इसकी भी वीडियो मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स अपलोड कर दी हुई है। डबल फ्रीजियस हैं, इधर भी है, दो कंटेनर्स में है। ये स्पायरेक्सिस है, इसकी भी वीडियो अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के लिए अपलोड कर दी हुई है। ये भी इसका आखिरी फ्लावर है, चौथा फ्लावर खिला हुआ है। ये मेरे गार्डनिंग फ्रेंड एनिमल्स है, एनिमल्स में भी ये सेकेंड है, इसमें ये यहाँ से निकल रही है फ्लावरिंग बर्ड्स है। ये खूबसूरत भरे भरे से रेनैन कॉलर्स हैं मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स। ये और ये अपनी जो वीडियो है अपनी आज जिसके वजह से मैं ओवरव्यू दूंगा, ये डैफोडिल्स है। ये डैफोडिल्स प्यारे बीनी से इसकी भी खुशबू है, येलो रंग के हैं डैफोडिल्स हैं। जिस तरह ये फ्रिजियस के भी इसकी भी बीनी खुशबू है, अब बताऊंगा कौन सा इसका नाम है। ये मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ये एक्जिया है, ये एक्जिया पे ये फ्लावरिंग स्पाइक है, यहाँ से निकल रही है। ये सेकेंड फ्लावरिंग स्पाइक है, यहाँ से निकल रही है मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स। बाकी आपके एक्यूम ब्लू बैटर है, वर्बीना भी कितना भरा भरा फैला नजर आ रहा है, डायंथस है, ये पॉट मैरी गोल्ड है, फिलॉक्स है और ये पिंकिश है। इसका तो खैर मुझे भी खुद नाम मेरा भूल गया हुआ, इसका कौन सा नाम है। तो मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गार्डन का ओवरव्यू था। अब जब ये डैफोडिल के हवाले से बात करते हैं मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, ये डैफोडिल्स जो आप ये फ्लावर्स ये देख रहे हैं, ये इस पे ये फ्लावर येलो कलर का खिला हुआ है और दूसरे पे ये फ्लावरिंग जो स्पाइक है यहाँ से अगर आप देखें इस पे ये अभी खिलना बाकी है। बाकी पहली तरफ मेरे जो डैफोडिल्स के बल्ब्स हैं उस पे भी फ्लावरिंग स्पाइक है, अभी इस पे अभी फ्लावर्स नहीं आए मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स। ये जो डैफोडिल्स के ये फ्लावर हैं ये डच मास्टर है, 5 जो वराइटीज के मैंने बल्ब्स लगाए थे, ये येलो कलर का, ये ओवरऑल सारा येलो कलर है, डच मास्टर है। इसके बाद एप्पल पाई है, डैफोडिल विंस्टर चर्चिल है, ब्रिटिश गैम्बलिन है, आइस फॉलीस है और ये कपनुमा
ये सारे के सारे जो मैंने बल्ब ये सारे के सारे लगाए हुए हैं, इंशाल्लाह बाकी पे भी बल्ब आएंगे, अपने गार्डन फेंस के लिए ओवरव्यू करूंगा मैं। मेरे गार्डन में बहुत बीनी बीनी सी खुशबू होती है, कप नुमा ये फॉर्म्स होते हैं, जैसे ये सेंटर में ये येलो कप है, ये येलो है, आप पेटल्स भी येलो हैं। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इन बल्ब्स का मैं बता दूं कि ये इन बल्ब्स को जब मैंने लिया था शुरू में, मैंने अक्टूबर में लगाए थे, अक्टूबर के एंड नवंबर में लगाए थे, लेकिन इवन एक महीने तक इस पर कोई फ्लावरिंग उस पर स्प्राउट नहीं निकली थी। फिर मैंने इसमें नवंबर के एंड में इसे निकाली, दोबारा निकाल के बाद मैंने इसे चिल्ड करवाया था, चिल्ड करवाया कप कैप एक पूरा एक महीना। फिर मैंने दोबारा इसको दिसंबर के एंड में लगाया, जनवरी में जाके ये स्प्राउट्स आना शुरू हुई हैं, और जनवरी में जाके स्प्राउट होने के बाद ये बाद में ये बाद में ग्रोथ इनका शुरू हुई जनवरी के एंड में, फरवरी में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई। बहुत स्लो ग्रोइंग ये डैफोडिल्स के होते हैं, ये बल्ब्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बल्ब्स। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स, अब इवन है ये मार्च का जस्ट मैंने बताया कि बिल्ड ख़त्म हो गया हुआ है, आगे सेकेंड वीक शुरू है, और अब जाके इस पर ये फ्लावर्स इसमें खिलना शुरू हो गए हैं। अभी पहला फ्लावर है मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये डैफोडिल्स का विंस्टर, ये क्या कहते हैं, डच मास्टर का है, बाकी पे फ्लावरिंग स्पाइक है। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया चिल्ड मुझे करवाना पड़ा, अभी तक जिन मेरे गार्डन फ्रेंड्स की नहीं है वो अब पता नहीं, वो कहा था उन्होंने यही था कि जी हम ये चिल्ड आपको हमने बर्फ किए दिए हैं, ये चिल्ड होते हैं, वो चिल्ड नहीं होते, तो कोशिश करें आप इसको चिल्ड करवाएं। लेकिन तब पिछले दिन बारिशें भी नहीं हैं, मौसम का भी बड़ा फैक्टर होता है। जनवरी में यह नहीं किया था, बारिश जब ख़त्म हुई थी चिल्ड काफ़ी चिल्ड वेदर भी था, तो मैंने दोबारा से जब इसमें थोड़ी सी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, दोबारा मैं जनवरी में लगाए हैं, जनवरी के एंड में जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तब दोबारा मैंने इसमें अच्छी तरह रिफाइंड किस्म की गोबर की खाद पुरानी किस्म की दी है, और मैंने अभी तक उसमें कोई बोन मील नहीं दी किसी भी अपने बल्ब में। मैं अपने गार्डन फ्रेंड बता दूं, कोई अभी तक मैंने बोन मील यूज़ नहीं की, वो आप डिपेंड करता है कि आप यूज़ करें कि या करें। बाकी मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर भी से दी है, इसमें खासतौर पर मेरी जो पोटेशियम फॉस्फोरस पी के स्पेशल फर्टिलाइज़र है, उसको भी मैंने दो दफ़ा स्प्रे फुल स्प्रे किया, क्योंकि चिल्ड वेदर में जब आपके बारिशें भी हुई हैं तो आप नीचे से पानी नहीं दे सकते ताकि बर्फ़ ख़राब ना हो, तो मैंने फुल स्प्रे किया था। ये तो फर्टिलाइज़र के हवाले से, गोबर भी डाली, बाकी इसकी गुडाई वगैरह करते रहे, और फुल सनलाइट, ओपन सनलाइट में। अभी भी मैं कहूँगा मेरे गार्डन फ्रेंड्स, अभी भी बाकी भी मेरे जो बल्ब्स हैं इस वक्त डैफोडिल्स के फुल सनलाइट में हैं, जितनी मैं ऐसे सनलाइट दे सक रहा हूँ मैं उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी तकरीबन आजकल हालांकि मौसम काफ़ी चेंज आउट हो गया हुआ है, दिन का टेम्परेचर तकरीबन 22-23 है, लेकिन फिर भी आजकल में आजकल की 6 घंटे की लाइट है जो सनलाइट है उसमें भी वैसे आपका मुसलसल बैठना मुश्किल होता है, लेकिन 6 घंटे में मैं डैफोडिल को अपने फुल सनलाइट दे रहा हूँ मैं, और पानी मैं सिर्फ सुबह के वक्त देता हूँ बाकी डैफोडिल, ताकि जो मैंने कहा कि उस पर भी फ्लावरिंग स्पाइक है। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इंशाल्लाह उसकी भी आपके अपने प्यार से खूबसूरत डैफोडिल के फ्लावर्स मैं लेके रहूँगा। और मैंने कहा थोड़ा सा आपने ये डैफोडिल के हवाले से थोड़ा सा फ्लावर को शेयर किया जाए, और उम्मीद करते हैं कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज़ फ्रॉम वागी सोमकी सिंह गार्डन।